अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ यूज़ विद आमिर खान। नाजरीन, आज एक अहम मौजू पर बात होगी। जिस तरह के मैंने कुछ देर पहले ट्वीट किया था कि आज न्यूज़ यूज़ विद आमिर खान में मैं चंद अहम चीज़ों पर बात करूंगा, और वो सारी चीज़ें जो है वो रिलेटेड होगी, वो हकायक जो है वो रिलेटेड होगी ईरान के अटैक से। यानी कि ईरान ने जो अटैक किया है पाकिस्तान पर, तो उससे ये सारी हकायक जो है ये रिलेटेड होगी। तो मैंने सेगमेंटाइज किया है अपने इस प्रोग्राम को, और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में मैं क्या क्या किन किन नुकात पर बात करूँगा। तो पहला जो नुकता है वो ईरान का पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक है। यानी कि ईरान ने जो 16 जनवरी को अटैक किया है पाकिस्तान के बलूचिस्तान के एरियाज में, तो उसके मुतालिक जो है वो बात होगी। दूसरा जो अहम नुकता है वो ये है कि ईरान के मुताबिक इस हमले की वजह क्या है थी, यानी कि ईरान इस हमले की क्या वजूहात बयान करता है। तीसरा जो पॉइंट है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जैश उल अदल की तारीख, यानी कि जैश उल अदल जिसको वजह बना कि ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक किया, ठीक है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान के एरियाज में एयर स्ट्राइक किया, तो जैश उल अदल की तारीख मैं आपको बताऊंगा कि जैश उल अदल मतलब हकीकत में ये कौन सा ग्रुप है, कौन सा ऐसा ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप है, और ईरान के साथ इसका ताल्लुक क्या है, क्या तनाज़ा है जैश उल अदल और ईरान का, ईरान के बीच में, पाकिस्तान की जैश उल अदल और इस जैसे तमाम तंजीमों के अगेंस्ट जो कार्रवाइयाँ हुई है उसका भी जिक्र आज के इस प्रोग्राम में होगा। इसके अलावा जैश उल अदल के ईरान में जो सरगर्मियाँ रही हैं उसका भी मैं जिक्र करूंगा। यानी कि इस प्रोग्राम में मैं पूरी की पूरी डिटेल आपके सामने पेश करूंगा कि ईरान ने जिस ग्रुप को वजह बनाकर पाकिस्तान पर अटैक किया, तो वो बेसिकली क्या है, उसका वजूद पाकिस्तान में क्या है, और ईरान ने जो वजह बनाई है आया वो ठीक है या नहीं है, वो जगह रखती है या नहीं रखती, ये सारी चीजें दलाइल के साथ आज इस प्रोग्राम में डिस्कस होंगी। और इसके बाद जो पाकिस्तान का रद्द अमल आया, यानी कि पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट दी, फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट ने जो स्टेटमेंट दी, उसके हवाले से थोड़ी सी बात होगी। और पाकिस्तान पर हमले के बाद ईरान की जो स्टेटमेंट आई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ईरान ने क्या स्टेटमेंट दी, इस हवाले से बात होगी। और साथ साथ में जो कुछ नुकात, ऐसे एक दो नुकात में ऐसे बयान करूंगा जिसका इस हमले से ताल्लुक हो सकता है, लेकिन उनका जिक्र जो है वो ईरान की तरफ से नहीं आया, वो दुनिया की किसी भी न्यूज एजेंसी की तरफ से नहीं आया। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, यानी कि दुनिया में जो भी इस तरह की सरगर्मियां होती है, कोई भी मुल्क किसी और मुल्क पर हमला करता है या उसके अंदर कार्रवाइयां करता है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसी रीजंस होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी वजूहात होती है, कुछ ना कुछ ऐसे मसाइल होते हैं कि जिनकी वजह से वो मुल्क जो है वो डिप्रेस्ड होता है, सप्रेस्ड होता है, और दुनिया की जो नजरें हैं वो उस मामले से हटाने के लिए वो इस तरह के इकदाम करते हैं, यानी कि दूसरे ममालिक में कार्रवाइयाँ या अपने ममालिक में कोई इंसिडेंट्स पैदा कर देते हैं ताकि दुनिया की नजरें जो है वो उस मामले से हट जाए। तो जनाब, आते हैं सबसे पहले पॉइंट पर जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि ईरान का पाकिस्तान पर अटैक, ठीक है। तो ईरान जो है 16 जनवरी 2024 को रात 8 बजे से 10 बजे के बीच में एयर स्ट्राइक करता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे के एरियाज में। ईरानी मीडिया जो है वो ये सारा वाकया जो है वो मतलब जो ईरानी मीडिया एजेंसीज हैं वो अपने साइट्स पर अपलोड करती है और 1-1.5 घंटे बाद वो उसको डिलीट कर देती है। लेकिन ये मामला 10:30 से 11 बजे के बीच में इंडिया की मीडिया जो है वो काफी प्रोपेगेट करती है, काफी ज्यादा उस पर नजरसानी शुरू कर देती है कि ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक किया। जनाब, ये सारा मामला होता है फिर रात के तकरीबन 1-1.5 बजे जो है पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस इस मामले की तस्दीक करती है, यानी कि इस अटैक की तस्दीक करती है और इसकी मजम्मत करती है, एक डॉक्यूमेंटेशन जारी करती है। अब
ईरान क्लेम करता है कि हमने दो एयर स्ट्राइक्स की हैं, एक जो है वो इराक पर किया है और एक सीरिया पर किया है, और ये हम लोगों ने कुछ कलदन तंजीमों के अगेंस्ट किया है, कुछ मिलिटेंट आउटफिट्स थे उनके अगेंस्ट हमने ये स्ट्राइक किया है। लेकिन यहाँ पे मामला ये आता है कि जो पोस्ट इन्होंने पाकिस्तान के अटैक के बारे में किया था वो ये डिलीट कर देते हैं। फिर पाकिस्तान तो तस्दीक कर देता है, और ये जो ईरान ने अटैक किया है इसमें कुछ खवातीन और एक बच्ची जो है, कुछ खवातीन जख्मी हुई है, एक बच्ची जो है वो शहीद हुई है, और एक मस्जिद को नुकसान पहुंचा है। लेकिन दूसरी तरफ वो जो मिलिटेंट ग्रुप का जिक्र कर रहे हैं, उस मिलिटेंट ग्रुप के हवाले से कोई भी निशानात पाए नहीं जाते, क्योंकि जिस जगह पर इन्होंने अटैक किया है वहां पर ना तो किसी मिलिटेंट ग्रुप का ठिकाना होता है और ना ही कोई मिलिटेंट ग्रुप का लीडर वहां पर पाया जाता है। बकौल ईरान के रीजन जो बताई जाती है इस हमले के पीछे, वो ये है कि इन्होंने जैशुल अदल, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है, इसके अगेंस्ट कार्रवाई की थी और ये लोग वहां पे थे, वहां पे इनके कैंप थे, तो इस वजह से हमने इन पर अटैक किया और हमने इनको खत्म करने की कोशिश की। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि जहां पे मिसाइल्स गिरे हैं, जहां पर अटैक हुआ है, तो वहां पर कोई भी निशानात नहीं पाए गए हैं, कोई भी कैंप नहीं पाया गया है, बल्कि वहां पे एक मस्जिद और जहां पे मतलब सिटीजन्स रहते हैं बलूचिस्तान के, तो वो पाए जाते हैं। अब जनाब आते हैं जैशुल अदल की हिस्ट्री पे, कि जैशुल अदल बेसिकली ये कौन सी तंजीम है और इसका और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट क्या रहा है। तो जैशुल अदल जो है ये बेसिकली रिवाइवल है जुंदुल्ला का। जुंदुल्ला एक आउटफिट थी जिसका हमेशा से ईरान की एक्टिविटीज, ईरान की जो सरगर्मियां होती थी इस रीजन में वो इसका टारगेट होती थी, और इसके सरबराह जो है वो अब्दुल मालिक रेही थे, जिसको फिर ईरान ने गिरफ्तार कर लिया था। फिर उनकी गिरफ्तारी के बाद मुल्ला उमर एक पर्सन थे जिन्होंने फिर से इस तंजीम को रिवाइव किया जैशुल अदल के नाम से, मतलब कि वो जैशुल अदल के लीडर थे जिन्होंने फिर से उनकी एक्टिविटीज को रिवाइव किया और उनकी एक्टिविटीज को जिंदा किया, क्योंकि उनका जो लीडर था अब्दुल मालिक रेही, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया ईरान ने। तो फिर उसी तंजीम को जो है रिवाइव करने के लिए मुल्ला उमर नामी शख्स मैदान में उतर आए और उन्होंने इस ग्रुप का नाम जैशुल अदल रख दिया। पाकिस्तान हमेशा से इस किस्म की तंजीमों की, जो इंतहा पसंद तंजीमें होती है, इन इनके अगेंस्ट पाकिस्तान ने हमेशा भरपूर कार्रवाइयां की है। सेम जैशुल अदल के बारे में भी है कि इनके अगेंस्ट भी पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर हम लोग हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टीटीपी के अगेंस्ट या इस तरह के और तंजीमें जो के इंतहा पसंद तंजीमें होती है, तो इनके खिलाफ जो है पाकिस्तान कभी भी पीछे नहीं हटा और बहुत ही जबरदस्त किस्म की कार्रवाइयां की है इनको खत्म करने के लिए। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो अब्दुल मालिक रेही का भाई था अब्दुल हामिद रेही, तो उसको 10 साथियों समेत जो है पाकिस्तान ने अरेस्ट किया था और ईरान के हवाले कर दिया था। मतलब ये पाकिस्तान की तरफ से मैं कहता हूं कि एक अच्छा कदम था, एक अच्छे इकदाम थे कुछ जो कि इन तंजीमों के अगेंस्ट उन्होंने किए, और उनके सरबराहान और उनके कंपेनियंस जितने भी थे उनको ईरान के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद मुल्ला उमर के भाई जो हसन थे उसको भी, जो कि मुल्ला उमर के बाद जैशुल अदल को लीड कर रहे थे, तो उनको भी गिरफ्तार करके जो है वो ईरान के हवाले कर दिया गया था 2015 में। डिमांड जो पाकिस्तान की थी तो वो ये थी ईरान से कि जो BSN है, बलोच सब नेशनलिस्ट है, तो उनके अगेंस्ट ईरान को कहा गया पाकिस्तान की तरफ से कि उनके अगेंस्ट आपने एक्शन लेना है, लेकिन पाकिस्तान को कोई सेटिस्फेक्ट्री नतीजे उसके ना मिले, यानी कि जो डिमांड पाकिस्तान ने रखी जैशुल अदल या इन तंजीमों के सरबराहान और कंपेनियंस को गिरफ्तार करके ईरान के हवाले करना, और उसके अगेंस्ट जो है पाकिस्तान ने ये डिमांड रखी कि जो BSN है तो आप लोग उनके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन ईरान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब हम लोग आते हैं जरा जैशुल अदल की कार्रवाइयां जो है, मतलब कि जैशुल अदल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो जैशुल अदल जो है वो 2012
में रिवाइव्ड हुआ था जुंदुल्ला से, यानी कि जुंदुल्ला जो तंजीम थी वो 2012 में खत्म हुई, और 2012 में जो है वो फिर मुल्ला उमर ने क्या किया कि जैशुल अदल को रिवाइव कर दिया, यानी कि जुंदुल्ला का ही ये एक ऑफ शूट, इसको हम कह सकते हैं कि जैशुल अदल जो है ये जुंदुल्ला तंजीम का ही ऑफ शूट है। और उसके बाद फिर 2014 से लेकर 2023 तक ईरान में मुख्तलिफ जगहों पे जो है हाई प्रोफाइल अटैक्स जैशुल अदल ने किए हैं, जिसमें से सबसे पहला अटैक अगर 2014 का हम लोग देख ले तो उसमें से IRGC के तकरीबन 14 लोगों को जो है वो निशाना बना दिया गया था, मारा गया था जैशुल अदल की तरफ से। और लास्ट अटैक अगर हम लोग देख लें तो उसमें 11 ईरानियन पुलिस को टारगेट किया गया ईरान के अंदर, और ईरान के अंदर यानी कि ईरान के जो कैपिटल है तेहरान, उसके अंदर आप पुलिस यानी कि ईरानियन पुलिस को टारगेट करते हैं, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्लान, टारगेट अटैक। ठीक है, तो इस तरह जो है ईरान ने जैशुल अदल को अपने निशाने पर रखा, और फिर जो है ये स्टेटमेंट ईरान की तरफ से आई कि हम लोगों ने जैशुल अदल को टारगेट किया है बलूचिस्तान में, इराक में और सीरिया में। ठीक है, कि हमने यही मिलिटेंट ग्रुप्स जो है ये टारगेट किए हैं इराक में, सीरिया में और पाकिस्तान में जो है हमने जैशुल अदल को टारगेट किया है। लेकिन जो स्टेटमेंट अब ईरान की तरफ से दूसरा आया है कि जो बंदा, जो मेन बंदा इन्वॉल्व था इस सारे टारगेटिंग्स में, जो कि ईरान में जो एक्टिविटीज हुई है जैशुल अदल का, जो बंदा इसमें इन्वॉल्व था उसकी ट्रेनिंग अफगानिस्तान में हुई, यानी कि इसमें से कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि ला के इन अटैक्स को या जैशुल अदल को पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करें। तो अब अगर कोई पॉइंट ऐसा नहीं है तो व्हाई ईरान अटैक्ड ऑन पाकिस्तान, ये सबसे बड़ा पॉइंट बनता है। तो अब आते हैं उन दो पॉइंट्स की जानिब, उन दो पॉइंट्स की जानिब जो कि मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में आप लोगों को बताया कि कुछ ऐसे अनासिर होते हैं कि जिनसे नजरें हटाने के लिए कुछ ममालिक जो है वो ऐसी एक्टिविटीज कर लेते हैं कि दुनिया का ख्याल बदल के दुनिया की नजरें वहां से मोड़ सके और दूसरी तरफ ला सके। तो इसमें जनाब आते हैं पहले पॉइंट की तरफ, चूंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें इंडिया का हाथ हो सकता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें कुछ और वजूहात हो सकते हैं, लेकिन जो दो पॉइंट्स मेरी रिसर्च के मुताबिक आए हैं सामने, तो इसमें एक पॉइंट जो है वो इंतहाई अहम है, जो कि मैं रिसर्च कर रहा था और उस रिसर्च के मुताबिक मेरे सामने आई है, जो कि इस अटैक में एक बड़ा रीजन साबित हो सकती है, एक बड़ी वजह साबित हो सकती है। उसमें से एक ये है कि यमन के एरिया के साथ जो रेड सी है, जहां से अमेरिकन ऑयल टैंकर्स या फिर अमेरिकन टैंकर शिप्स जो है वो जाते हैं इसराइल की तरफ, ठीक है, इसराइल की तरफ जाते हैं, उनको कई कुछ अरसे से जो है वो निशाना बनाया जा रहा है हूती की जानिब से। हूती एक ग्रुप है जो कि यमन का है, और वो इन शिप्स को टारगेट करते हैं, बाबल मंदब स्ट्रेट है जहां से ये शिप्स गुजरती है रेड सी में, तो वो टारगेट करते हैं, जिसके अगेंस्ट यूएस ने वहां पर 3 वॉरशिप्स जो है वो खड़े कर दिए हैं और एक्यूज किया है ईरान को, क्योंकि ईरान जो है दैट इज बैकिंग अप दी हूतीस, ईरान हूतीस को बैकअप कर रहा है, और अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन और इन लोगों ने जो है ये फिर ईरान को एक्यूज किया है उसके लिए, और 3 वॉरशिप्स भी वहां पर खड़े किए हैं, तो दैट्स वाई ईरान जो है वो काफी प्रेशर में आया है। और इस सारे वजूहात से, इन सारे मामलात से नजरें हटाने के लिए उन्होंने ये अटैक्स कर दिए हैं। और दूसरी बात यह है कि ये मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो जारी है इस वक्त, तो उसमें पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, और अगर ईरान ने इस तरह का अटैक किया, पाकिस्तान ने चूंकि उसकी जवाबी कार्रवाई भी कर ली है आज, ठीक है, तो पाकिस्तान भी हिस्सा बन जाएगा मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का। अभी पाकिस्तान मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं है,
ये मैं आपको बताता चलूं। तो पहली वजह तो ये है कि इस मामले से नजरें हटाने के लिए जो है ईरान ने ये इंसिडेंट करवा दिया है पाकिस्तान में, ताकि पूरी दुनिया की नजरें इस तरफ हो जाए और उस तरफ से जो है उनके जो तवज्जो है उसको हटाया जा सके। दूसरा पॉइंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें मुलविस हो सकता है, लाइक हम लोग पॉइंट्स बना के उसको मिलाते हैं, कोई भी जब इंसिडेंट होता है तो हम लोग उसके अगेंस्ट रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च के नतीजे में जो पॉइंट्स आते हैं तो हम वो पॉइंट्स निकाल के उनको मिलाते हैं कि इसका लिंक जो है कहाँ कहाँ हो सकता है। तो जनाब कुछ दिन पहले जो है जयशंकर साहब जो कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया है वो जाते हैं ईरान। ईरान के विजिट के 2 दिन बाद ये वाकया हो जाता है और उससे कुछ दिन पहले इंडियन कुछ अकाउंट्स पर जो कि मुख्तलिफ एजेंसियों के साथ लिंक्ड है उस पर ये खबरें भी आती है कि पाकिस्तान को वेस्ट साइट से जो है वो काफी खतरनाक नतीजे भुगतने का खतरा है, या वेस्ट साइट से पाकिस्तान को खतरा है, या वेस्ट साइट से जो है वो पाकिस्तान पर कोई नुकसान हो सकता है। मतलब इस किस्म के निशानदेही के जो पोस्ट है वो मुख्तलिफ अकाउंट से इंडियन अकाउंट से आ रहे होते हैं कि इसी दौरान जयशंकर साहब जो है वो ईरान विजिट करते हैं और ईरान विजिट करने के 2 दिन बाद पाकिस्तान पर अटैक हो जाता है। तो ये जनाब कुछ हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो मैंने इस अटैक के हवाले से आपको बताया कि ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक क्यों किया और इसकी वजूहात वो क्या बताते हैं और हमारी नजर में यानी हमारी रिसर्च के मुताबिक उसकी वजूहात क्या हो सकते हैं। तो ये कुछ मतलब जो वजूहात वो बता रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं, तो उसके मुताबिक उसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि जो बंदा इस अटैक में मुलव्वस था तो वो उसकी ट्रेनिंग अफगानिस्तान में हुई थी, उसका पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना नहीं था। दूसरी बात, जिस जगह पर अटैक हुआ है वहां पर मिलिटेंट्स की यानी कि जैश उल अदल की कोई भी निशानदेही नहीं हुई, वहां पर कोई भी कैंप नहीं था, वहां पे कोई भी बंदा नहीं था इस तरह का। तीसरी बात, ये जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताया है कि हूतीज जो टारगेट कर रहे हैं अमेरिकन ऑयल टैंकर्स को रेड सी में, ठीक है, और अमेरिकन ने वहां पर जो है अपने 3 वॉरशिप्स खड़े कर दिए हैं उनके अगेंस्ट और वो एक्यूज कर रहे हैं ईरान को, तो यहां से एक स्ट्रेसफुल मामला जो है वो ईरान के लिए बना हुआ है। और दूसरी तरफ जो है वो इंडिया का किरदार जो है वो ये हो सकता है, लाइक मैं ये नहीं कहता कि ये है, लेकिन जो मामला जो कड़ियां मिल रही है तो वो यहां पर मिल रही है। यकीनन कि इस प्रोग्राम से आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी इन मिलिटेंट ग्रुप्स के हवाले से, इस अटैक के हवाले से, और यकीनन पाकिस्तान ने उसका जवाब भी दिया हुआ है आज, चूंकि ईरान के कुछ एरियाज को टारगेट किया हुआ है। तो होप सो के आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होंगी और इस तरह की इंफॉर्मेशन यानी कि जब भी कोई इस तरह का वाकया होता है या जब भी कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसके पीछे वजूहात क्या हो सकते हैं, उसके पीछे जो है मेन रीजंस क्या हो सकते हैं, तो वो बताने के लिए मैं रिसर्च करता हूँ और आपको उन मामलात से आगाह करता हूँ। अभी के लिए न्यूज़ व्यूज़ विद आमिर खान में इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मजीद मालूमात के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, इंफोटेनमेंट के लिए, और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए अपने होस्ट आमिर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।